नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 1 जुलाई 2021 से राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पौष्टिक लड्डू और सत्तू लड्डू वितरण के संबंध में आप सभी को YouTube पर ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से आप सभी को बताया गया था कि पौष्टिक लड्डू किस प्रकार से बनाना है, सत्तू लड्डू किस प्रकार से बनाना है, कैसे गेहूँ का प्रसंस्करण करना है, मूंग दाल की प्रसंस्करण वगैरह वगैरह आप सबको विधि बताई गई थी। और इसकी जांच के लिए एक डेट फिक्स रखा गया है जो कि LS मैम जाएंगी आपके केंद्र पर और देखेंगी कि आप जो लड्डू वगैरह आप सभी बच्चों को दे रही हैं तो उसकी गुणवत्ता किस प्रकार से आप लोग दे रही हैं और कितनी मात्रा में दे रही हैं, जो कि LS मैम जाएंगी और आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स समझाएंगी। देखिए यहाँ पे डेट दिया गया है 23/7/2021 और जिसकी संचिका संख्या है 3615 और प्रेषक में है अनुसरण पदाधिकारी ICDS निदेशालय की तरफ से इस लेटर को जारी किया गया है। और इस लेटर को सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को ये लेटर जारी किया गया है, यानी कि पूरे बिहार में इस लेटर को जारी किया गया है। आगे चलते हैं, लेटर का विषय देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेटर का विषय दिया गया है आंगनवाड़ी केंद्रों से उपलब्ध कराई जा रही पौष्टिक या सत्तू का लड्डू गुणवत्ता एवं मात्रा का अनुसरण करने के संबंध में, यानी कि जो आंगनवाड़ी केंद्रों पर आप सभी को पौष्टिक लड्डू और सत्तू का लड्डू उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि आप सभी को घर घर जाकर इसकी वितरण करना है और उसकी गुणवत्ता और मात्रा को कैसे आप लोग उसका ध्यान रख रहे हैं उसी के संबंध में यहाँ पे लेटर जारी किया गया है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए पहले पत्र को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको सारी डिटेल्स स्टेप बाई स्टेप समझाएंगे। महाशय, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा राज्य के सभी जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषाहार अंतर्गत पौष्टिक लड्डू, सत्तू का लड्डू, सुबह का नाश्ता व सुधा दूध पाउडर का वितरण आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को गृह भ्रमण के दौरान किया जा रहा है। पौष्टिक लड्डू, सत्तू का लड्डू गुणवत्ता एवं मात्रा का अनुसरण दिनांक 26/7/2021 को किया जाएगा। उपरोक्त भ्रमण एवं अनुसरण पूर्व में दिए गए लिंक पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। जांच बाल विकास परियोजना पदाधिकारी महिला परीक्षिका को अपने क्षेत्र अंतर्गत ही भ्रमण किया जाना है। तो इस लेटर में साफ साफ बताया जा रहा है कि जो राज्य के सभी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन केंद्रों पर पौष्टिक लड्डू और सत्तू का लड्डू जो बच्चों को दिया जा रहा है और साथ साथ सुधा दूध का पाउडर भी वितरण किया जा रहा है, उसी के संबंध में जो उसकी गुणवत्ता है कि आप लोग कैसे उस पौष्टिक लड्डू को बच्चों को दे रही हैं, कितनी मात्रा में दे रही हैं, आप लोग उस पौष्टिक लड्डू का जो गुणवत्ता है, जैसे कि गेहूँ का प्रसंस्करण किस प्रकार से कर रही हैं और किस प्रकार से करना है, इसी के बारे में एक डेट फिक्स किया गया है जो डेट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 26/7/2021 को जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हैं या महिला परीक्षिका हैं वो अपने केंद्र पर, वो अपने अपने क्षेत्र के जो केंद्र हैं उन सभी पे इस तारीख को जाएंगे और जो भी डिटेल्स है आप सभी को पौष्टिक लड्डू के बारे में समझाने का वो समझाएंगे कि आप लोग किस प्रकार से इसका वितरण करना है, वही सारी डिटेल्स आपको वो सब समझाएंगे। और जो इसका लिंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उपरोक्त भ्रमण एवं अनुसरण पूर्व में दिए गए लिंक पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए, तो वो आप सभी को जिसके बारे में समझाएंगी वो लोग अपने जो उनको लिंक दिया गया है उस लिंक पर ये महिला परीक्षिका जो डिटेल्स है उसको यहाँ पे अपलोड करना है, जो ICDS विभाग की तरफ से एक लिंक दिया गया था, जो लिंक दिया गया होगा उसी पर ये लोग अपना जो डाटा है उसको अपलोड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस डिटेल्स के बारे में जान के अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।